नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। भारतवर्ष में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, बिहार और झारखंड में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। हमें किस प्रकार से अपने आप को बचाना है? भारत सरकार ने दो स्वदेशी वैक्सीन बना लिया है। पिछले 3 माह से कोरोना वैक्सीन लग रहा है। जैसा कि बताया गया कि अभी तक 6 से 7 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुका है। दो कोरोना वैक्सीन में एक कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन बताया गया है। वैक्सीन लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी सामने आया है, जैसा कि कोविशील्ड के बारे में बताया जाता है कि यह 74% कारगर है। दूसरा कोवैक्सीन 80% कारगर है। कुछ ऐसा बात सामने आई है जिससे वैक्सीन लगने के बाद मौत हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौत और कोरोना वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वैक्सीन तो शरीर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कोई गंभीर बीमारी होगा तो इस तरह की बात सामने आई होगी। कोविशील्ड लगने से कुछ शरीर में प्रतिक्रिया होती है, बुखार आ सकता है और कोवैक्सीन में भी ऐसा होता है। कम चांसेस होता है कि इसमें प्रतिक्रिया हो। देखा जाए तो दोनों वैक्सीन अपने आप में महत्वपूर्ण माना गया है, और जब वैक्सीन लेना है तो फिजिशियन से सलाह कर लेना चाहिए। जिन्हें उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज़ है, उन्हें तो अवश्य ही डॉक्टर की सलाह लेकर वैक्सीन लगवाना चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो वैक्सीन हमारे लिए उत्तम माना गया है। फिर भी लोगों में डर की भावना है कि वैक्सीन लेने के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी। कोई भी वैक्सीन हो, बुखार आ सकता है, थकावट हो सकती है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन लेने के बाद हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि होली में देखा गया है कि लोगों ने मास्क का प्रयोग छोड़ दिया है। भीड़ भाड़ वाली जगहों में देखा जाता है कि 90% लोग मास्क नहीं पहने आए गए हैं, तो निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। जब तक हम अपने आप को सावधानी नहीं बरतेंगे, वैक्सीन लेने के पश्चात भी कोरोना वायरस फैल सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, मास्क पहनने की आवश्यकता है और समय समय पर सैनिटाइज़र लगाने की आवश्यकता है।
दूरियां बनाकर रखने की आवश्यकता है, तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जो भी हो, हम इसका ख्याल अवश्य करें और जब भी वैक्सीन लेना है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य कर लेना चाहिए, तभी वैक्सीन लगवाना चाहिए, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है, और हम तभी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण व्यू को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे लोगों में यह जानकारी प्राप्त हो और अपने आप को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि लोगों में डर की भावना समाप्त हो गई है, जो चिंता का विषय है। अपने आप को संभालें और दूरियां बनाएं, मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।